हाय गाइस आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे टॉप हंड्रेड मार्केटिंग मैनेजमेंट का एमसीक्यू अगर आप बीबीए, एमबीए या बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए इवन अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका मार्केटिंग नॉलेज बहुत ही वीक है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा इसीलिए ओवरऑल मार्केटिंग नॉलेज आपका बिल्कुल सही होना चाहिए चाहे आप किसी भी फील्ड से आते हो तो ऐसे ही हंड्रेड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपके बहुत ही काम आएगा तो चले बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग मॉडर्न मार्केटिंग के फादर कौन है तो यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर फ्लिप कॉटलर. फुलफिल कस्टमर नीड्स एंड इज़. कस्टमर के नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना क्या कहलाता है तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसका मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है जिससे उसका नीड और एक्सपेक्टेशन दोनों फुलफिल हो रहा है मतलब कस्टमर सटिस्फाइड है इसीलिए हमारा राइट right आंसर हुआ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच एम्स एट मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसका एम क्या होता है द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाइड करना मार्केटिंग का काम है और मार्केटिंग एक प्रोसेस है मार्केटिंग मिक्स फॉर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में कितने पी होते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन का ये मतलब है तो हमारा राइट right आंसर होगा ए नंबर फोर पीस कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सेवन पी होता है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर फोर पी ही होगा हमारा अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस इंक्लूड तब हमारा यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा बी नंबर सेवन पीस अब समझिए मार्केटिंग मिक्स में फोर पी होते हैं जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तब और सेवन पी तब होता है जब उसमें सर्विस इंक्लूड होता है तब तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही रहता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो आप गलती करते हैं तो क्या करना है प्रोडक्ट के लिए फोर पीस होता है जब उसमें सर्विस इंक्लूड हो जाता है तब वो सेवन पीस बन जाता है आगे बढ़ते हैं द फोर पीस मार्केटिंग मिक्स आर जो फोर पी होते हैं तो इनमें से कौन सा है वो तो हमारा राइट right आंसर होगा ए नंबर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये फोर पीस का फुल फॉर्म है डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है तब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी नंबर परपस क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में जो फोर पीस होते हैं वो होता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं है पर्पस है इसीलिए ये मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर मार्केटिंग सेगमेंटेशन किस लिए यूजफुल होता है और हम ये क्यों करते हैं सेगमेंटेशन का मतलब होता है विभाजन करना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पहला ऑप्शन कहता है प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन हम प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं सेकेंड कहता है टू नो द कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हम कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को जानने के लिए भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं और थर्ड कहता है टू टारगेट करेंट क्लाइंट्स हम करेंट क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए भी मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑफ दी अब इन सभी चीजों के लिए डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का टाइप नहीं है तो राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर द सप्लायर कॉन्सेप्ट टूडे मार्केटर्स नीड आजकल के मार्केटर्स को क्या चाहिए पहला ऑप्शन कहता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बट नॉट क्रिएटिविटी सेकेंड कहता है क्रिएटिविटी बट नॉट क्रिटिकल थिंकिंग और थर्ड कहता है नीदर क्रिएटिविटी नॉर क्रिटिकल थिंकिंग और लास्ट ऑप्शंस कहता है बोथ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आपको क्रिएटिविटी के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी आप मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो इनमें से कौन सा स्टेप है जिससे स्टार्ट होता है तो राइट right आंसर होगा हमारा बी नंबर आइडिया जेनरेशन तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितने स्टेप होते हैं वो कौन कौन से हैं ये सभी पढ़ लीजिएगा एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये कमेंट में लिख के भी बताना है फिश कंपनी इज ऑल्सो नोन एज फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रेट वैल्यू एंड एक्ट एज अ गेम चेंजर तो यहाँ पे चार कंपनी के नाम दिए हुए हैं करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर एप्पल सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वांट इनमें से कौन सा वांट का सही डेफिनेशन है आपको ये बताना है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आता ही आता है और इंटरव्यू में भी ये जरूर पूछा जाता है तो आप याद करके जाएंगे डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी सर्विस एंड प्राइस इनमें से कौन सा क्वालिटी सर्विस और प्राइस का कॉम्बिनेशन है तो हमारा राइट right आंसर है सेकेंड नंबर कस्टमर वैल्यू ट्रेड रेगुलर कस्टमर्स loyal कस्टमर्स ट्रू और फॉल्स आपको क्या लगता है कि जो आपका रेगुलर कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर है तो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर फॉल्स क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर आपके पास रेगुलर आ रहा है वो लॉयल है अगर आपके बगल में कोई नई शॉप खुल जाती है वहां पे एक रुपया कम दाम में सामान अगर मिलता है तो वो कस्टमर डेफिनेटली मूव कर जाएगा इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो कस्टमर रेगुलर कस्टमर है हमारा वो लॉयल कस्टमर है देर आर सेवन पीस इन द सर्विसेस मार्केटिंग मिक्स वॉट आर एडिशनल थ्री पीस जैसे कि आप जानते हैं मार्केटिंग मिक्स में फोर पीस होते हैं लेकिन जब हम उसमें सर्विस को इंक्लूड करते हैं तो वो टोटल सेवन हो जाते हैं तो जो थ्री पीस एडिशनल उसमें ऐड हो रहे हैं वो इनमें से कौन से हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर पीपल फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस तो फटाफट रिपीट कीजिए सेवन पी को फर्स्ट होता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पीपल फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस तो अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी ट्रू और फॉल्स क्या पैकेजिंग ब्रांड इक्विटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है तो राइट right आंसर होगा हमारा फॉल्स नहीं है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा वॉट इज ब्रांड इक्विटी इनमें से ब्रांड इक्विटी कौन सा है ब्रांड इक्विटी क्या होता है तो हमारा सेकेंड वाला करेक्ट आंसर होगा द वैल्यू ऑफ द ब्रांड किसी भी ब्रांड का क्या वैल्यू है मार्केट में वो ब्रांड इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है SWOT स्टैंड फॉर मार्केटिंग में SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पे चार ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स इन SWOT एनालिसिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर एक्सटर्नल फैक्टर्स ट्रू और फॉल्स जब हम स्वैट एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होता है क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है तो राइट right आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर फॉल्स नहीं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर होता है ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स वॉट डज एस बी यू स्टैंड फॉर एस बी यू का फुल फॉर्म क्या होता है राइट right आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर

तो राइट right आंसर होगा हमारा डी नंबर डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे अलग बनाने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते हैं ताकि आपको यह पता चले कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है डिफाइन द टर्म मार्केट मार्केट का क्या मतलब होता है तो यहां पे चार ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है तो पहला ऑप्शन कहता है देयर इज नो डिफरेंस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है यानी कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम होते हैं सेकेंड कहता है कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर कस्टमर के बिहाफ में थर्ड कहता है कस्टमर्स परचेज द गुड्स फॉर पर्सनल यूज जो कस्टमर होता है वो गुड्स को परचेस करता है पर्सनल यूज के लिए और लास्ट वाला कहता है कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट्स, बट इट इज कंज्यूमर हु यूज देम और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कस्टमर और कंज्यूमर में ये डिफरेंस होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता है लेकिन कंज्यूमर उसे यूज करता है एक एग्जाम्पल से समझिए आपके घर में एक छोटा बच्चा है आपके पापा मार्केट जाके एक दूध का पैकेट खरीद के लाते हैं वो बच्चा उसे पीता है तो कस्टमर कौन है आपके पापा और कंज्यूमर कौन है वो छोटा बच्चा जो उस दूध को कंज्यूम कर रहा है तो यही कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है खरीदने वाला कोई और होता है और उसे यूज करने वाला कोई और वेयर द सप्लाई कर्व एंड द डिमांड कर्व क्रॉस एक प्लेस होता है जहां पे सप्लाई और डिमांड कर्व दोनों एक दूसरे को कट करते हैं मिलते हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी कि और supply, उस point पे दोनों बराबर होते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ब्रेक इवेंट पॉइंट ब्रेक इवेंट पॉइंट का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो राइट right आंसर होगा हमारा ए नंबर द प्रॉफिट एट ब्रेक इवन पॉइंट इज जीरो। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट जीरो होता है कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है यानी कि अगर आप दस रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इनकम भी दस रुपया ही है तो नो प्रॉफिट नो लॉस इसी को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैकेजिंग इन मार्केटिंग मार्केटिंग में पैकेजिंग कितने टाइप का होता है तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर थ्री और वो कौन कौन सा है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे इफ द कंपनी सेल आर स्लो डाउन एंड प्रॉफिट लेबल ऑफ एट विच स्टेज द कंपनी हैड रीच अगर किसी कंपनी का सेल डाउन हो गया है प्रॉफिट लेबल ऑफ हो चुका है तो वो कंपनी किस स्टेज पे पहुंच चुकी है तो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर डिक्लाइन वॉट आर ब्रांड अम्बेसडर्स ब्रांड अम्बेसडर्स क्या है इनमें से कौन होते हैं तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर इंडिविजुअल्स हु फील स्ट्रॉन्गली अबाउट अ ब्रांड एंड रिकमेंड इट हाईली टू अदर पीपल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी ब्रांड के बारे में बहुत ही स्ट्रांगली फील करता है देन उसे किसी को हाईली रिकमेंड करता है अदर पीपल को जैसे कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो आप क्या करते हैं उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताते हैं रिकमेंड करते हैं फिच स्टेट बैंड द ट्रेड लाइसेंस ऑफ मारुति सुजुकी इनमें से कौन सा स्टेट है जो मारुति सुजुकी का ट्रेड लाइसेंस बैन कर दिया है तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर असम। इन ईयर वेंचर द मारुति एंड सुजुकी मारुति एंड सुजुकी का किस ईयर में ज्वाइंट वेंचर हुआ तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर 1982 में सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है और ये इनमें से किसका है तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स यानी कि मार्केट को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करता है कौन सेगमेंटेशन के थ्रू हम ये करते हैं होमोजेनियस का मतलब होता है समरूप यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज बात करें तो वो सेम रहता है मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म डैश टू कवर स ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर मार्केट ग्रुप्स दैट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंफ्लुएंस ऑन अ पर्सन एटीट्यूड्स और बिहेवियर इज नोन एज ऐसे ग्रुप जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव होता है किसी भी लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर पे उन्हें क्या कहा जाता है रेफरेंस ग्रुप्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनमें से मैनेजमेंट का फंक्शन कौन नहीं है तो राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ नंबर कोऑर्डिनेटर बाकी जो तीन है प्लानिंग स्टाफिंग और कंट्रोलिंग ये तीनों मैनेजमेंट के फंक्शन हैं और डी नंबर हमारा कोऑर्डिनेटर नहीं है फिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इनमें से डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का कौन सा पार्ट नहीं है तो चार ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर इंटरेस्ट ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में नहीं आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो इनमें से किसका पार्ट है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लॉजिस्टिक मीन्स फिर लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है यह भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है तो हमारा राइट right आंसर होगा थर्ड नंबर फ्लो ऑफ गुड्स फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स बाय इट नाउ रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये रेफर करता है बाय इट नाउ इसे अभी खरीदे तो राइट right आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर पर्सनल सेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द कंटेनर फोरा प्रोडक्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन इन्वॉल्व रहता है कंटेनर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो राइट right आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर पैकेजिंग फिच फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करता है तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर कंपटीशन। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के लिए कंपटीशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है डैश पैकेजिंग इज यूज फॉर बल्क हैंडलिंग वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट इनमें से कौन सा पैकेजिंग है जो यूज किया जाता है बल्क हैंडलिंग वेयरहाउस के लिए तो ये सभी पैकेजिंग के टाइप है हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर टर्सियरी पैकेजिंग किसके लिए यूज किया जाता है बल्क हैंडलिंग वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट के लिए इन जनरल अ कंपनी नीड टू अवॉइड थ्री मेजर पोजिशनिंग एरर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दिज एरर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी कंपनी को पोजिशनिंग करने के लिए तीन ऐसे मेजर एरर होते हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए लेकिन इनमें से वो कौन सा एरर नहीं है तो राइट right आंसर होगा हमारा ए नंबर रिपोजिशनिंग नेस्ले वॉज फाउंडेड इन किस ईयर में नेस्ले की स्थापना हुई थी तो हमारा राइट right आंसर होगा डी नंबर 1905 में फाउंडर ऑफ ने इनमें से नेस्ले के फाउंडर कौन है हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर हेनरी ने मेन शेयर होल्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक कंपनीज इनमें से कौन सी कॉस्मेटिक कंपनी है जिसका मेन शेयर होल्डरों में से एक नेस्ले है तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर एल लोरियल बाय रेवन्यू ने लार्जेस्ट डैश कंपनी इन दर्ल्ड तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर फूड यानी कि फूड कंपनी है हमारा नेस्ले सबसे बड़ा बाय रेवन्यू ने ड नॉट मैन्युफेक्चर विस वन ऑफ दिस प्रोडक्ट इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो नेस्ले मैन्युफेक्चर नहीं करता है तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर शैम्पू विच कंट्री बैंड द सेल ऑफ नेस्ले मैगी आफ्टर बिंग फाउंड अनसे कंजम्पन इनमें से कौन सी कंपनी है जो नेस्ले मैगी को बैन कर दिया है जब से ये पता चला था कि ये खाने के लिए कंजम्पन्स के लिए अनसेफ है सेफ नहीं है तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर ईरान केचप इज अ अग्जाम्पल ऑफ केचप जो है ये किसका एग्जाम्पल है इनमें से तो राइट right आंसर होगा हमारा ए नंबर इम्पल्स गुड इम्पल्स गुड वो, वो सामान होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका जो हमारे घर में ना हो तो भी काम होगा सपोज़ आप आपने सुना होगा इम्पल्स बाइंग यानी कि जब आप मार्केट जाते हैं तो ये सोच के नहीं जाते कि आपको ये चीज़ ख़रीदना है लेकिन आप जाके आपको वो पसंद आता है और आप ख़रीद लेते हैं तो वो होता है इम्पल्स बाइंग ऐसे ही प्रोडक्ट जो हमारे घर में समझ लीजिए सजावट की चीज़ें जो ना हो तो भी काम हो जाएगा उन्हें कहा जाता है इम्पल्स गुड मेनी पीपल्स वांट बीएमडब्ल्यू ओनली फ्यू आर एबल टू बाय दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बीएमडब्ल्यू चाहते हैं लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें जो परचेस कर पाते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर डिमांड सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज डिमांड के संवेदनशीलता के कारण जब प्राइस में चेंजेस होता है तो उसे क्या कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है डिमांड घटते जाता है द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल इन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजनस इनमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है जो कहीं पे भी प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकता है आप ये समझ लीजिए तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं इन विच सेगमेंटेशन बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़ इनमें से कौन सा सेगमेंटेशन है जिसमें हम वायर को डिफरेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी उसके लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर साइकोग्राफिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज रिफ्लेक्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा फ्रेज है जो मार्केटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नंबर दिस इज आई वुडंट यू प्लीज मेक इट यह वही है जिसे मैं चाहता हूं क्या आप कृपया इसे नहीं बनाएंगे द कंट्रोलेबल वेरिएबल अ कंपनी पुट्स टूगेदर टू सेटिस्फाइड टारगेट ग्रुप इज कॉल्ड द मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स एक कंट्रोलेबल वेरिएबल है सजेस्टेड प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ऑल दिस इन अ कंपनी दैट रिप्रेजेंट मार्केटिंग मिक्स तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर नेल बोर्डन इन्होंने ही सजेस्ट किया था अ आ डायमंडोर एवर इज द टैग लाइन ऑफ ये टैग लाइन इनमें से किसका है तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर द बियर्स डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन रेफर्स टू डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो होता है वो किसे रेफर करता है तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर द डिस्क्रिप ऑफ द पीपल एंड द प्लेस इन सोसाइटी डैश इज द डिग्री टू विच योर ब्रांड इज थॉट और नोटिस इनमें से कौन सा है जिसके थ्रू आप आपका ब्रांड नोटिस किया जाता है या सोचा जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर ब्रांड ये एक डिग्री है जिसके थ्रू हमारा ब्रांड नोटिस किया जाता है सोचा जाता है स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू और मॉडिफाई प्रोडक्ट इन अ न्यू कैटेगरी उसे कहा जाता है ब्रांड एक्सटेंशन जब कोई सक्सेसफुल ब्रांड होता है तो वो क्या करता है किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है या पुराने ही प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके उसका न्यू कैटेगरी लाता है क्योंकि उसे पता रहता है कि मैं मार्केट में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे जगह पे स्टैंड करता हूँ तो मेरा बिजनेस चलेगा ही मेरा प्रोडक्ट चलेगा ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर टारगेट मार्केट पॉलिटिकल कैंपेन आर जनरली एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर पर्सन मार्केटिंग द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ अ कस्टमर टूवर्ड्स अ ब्रांड इज नोन एज जब कोई कस्टमर किसी ब्रांड से इमोशनली अटैच रहता है तो उसे क्या कहा जाता है किस नाम से जाना जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ब्रांड लोअलिटी टिपिकली प्रॉफिट इज स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इनमें से कौन सा स्टेज है जहां पे प्रॉफिट हमारा निगेटिव रहता है कम रहता है माइनस में रहता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर इंट्रोडक्शन क्योंकि इसी समय पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है जिससे लोग बहुत कम जानते हैं और हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगा रहता है जिससे हमें प्रॉफिट उस समय पे हमारा बिल्कुल एकदम जीरो रहता है समझ लीजिए माइनस में रहता है क्योंकि प्रोडक्ट अभी नया नया ही मार्केट में आया है तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा प्रॉफिट निगेटिव होता है ये आप एकदम ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर आप कहीं मार्केटिंग प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं जहां पे वो लोग हमेशा न्यू न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाते रहते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस मार्केटिंग का जो प्लानिंग प्रोसेस होता है वो किससे स्टार्ट होता है तो हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर द राइटिंग ऑफ द मिशन स्टेटमेंट पहला हमारा फोकस होता है मिशन स्टेटमेंट को लिखना मार्केट एक्सपेंशन इज यूजली अचीव्ड बाय आप अपने मार्केट को कैसे बढ़ा सकते हैं पहला है बाय कटिंग प्राइसेस आप प्राइस को कट करके कम करके कर सकते हैं सेकंड है मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग आप एडवर्टीजमेंट का इफेक्टिव तरीके से यूज करके कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन कहता है मोर इफेक्टिव यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर रहे हैं उसका मोर इफेक्टिव तरीके से यूज करके कर सकते हैं कहीं पे भी सामान को टाइम पे पहुंचाइए इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑल ऑफ़ आर टैक्टिक्स मार्केट को बढ़ाने का ये सभी सुटेबल टैक्टिक्स से इसी के थ्रू आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं मार्केटिंग फिलोसॉफी समराइज्ड बाय द फ्रेज अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डैश पीरियड तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर प्रोडक्शन पीरियड का ये करैक्टरिस्टिक्स है मार्केटिंग फिलोसोफी समराइज होता है कि अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ यानी कि जो प्रोडक्ट अच्छा होता है वो अपने आप बिक जाता है और ये करैक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन पीरियड का पीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड डाइवर्सिफिकेशन इज वेस्ट इनमें से कौन है जो ये डिस्क्राइब करता है कि डाइवर्सिफिकेशन सबसे अच्छा है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर न्यू प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मार्केट द स्टेज इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दैट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग मार्केट एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल इज द तो ये किस स्टेज में ये सभी आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर इंट्रोडक्शन स्टेज जो किस पे फोकस करता है मार्केट को बढ़ाने में क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस प्रोडक्ट अवेयरनेस को बढ़ाने में और हो सके तो हम उसका ट्रायल भी देते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में स्वेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनालिसिस टूल इन बिजनेस बट व्हाट डज इट एनालाइज स्वेट एनालिसिस हम करते हैं अपने बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए लेकिन ये क्या एनालिसिस करता है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर द ऑर्गेनाइजेशन करेंट सिचुएसन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का करेंट सिचुएशन क्या है उसका क्या क्या स्ट्रेंथ है वीकनेस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं इन सभी चीजों के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्वेट एनालिसिस करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है की एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन प्रमोशन मिक्स मिक्स का इनमें से कौन सा एलिमेंट है तो हमारा राइट right आंसर होगा ऑफ दी अब ये सभी पहला है एडवरटाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन ये भी प्रमोशन मिक्स में आता है सेकेंड ऑप्शन कहता है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग ये सभी प्रमोशन मिक्स के की एलिमेंट्स हैं आप इन्हें याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट फोर सीज़ ऑफ द मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स में जो फोर सीज़ होते हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा फोर्थ नंबर कस्टमर सोल्यूशन कॉस्ट कन्वीनियंस कम्युनिकेशन फोर सी का फुल फॉर्म होता है मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स का डैश इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर गुड्स इनमें से किसी भी गुड्स के ओनरशिप को ट्रांसफर करने में कौन इन्वॉल्व होता है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर सेलिंग अगर आपके पास कोई गुड है मतलब तो कोई भी सामान है आप उसे सेल कर देते हैं तो जो खरीद रहा है वो उसका ओनर है फॉलोइंग रेफर टू मार्केटिंग चैनल इनमें से कौन मार्केटिंग चैनल के एग्जाम्पल है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वॉट आर मार्केटिंग मैट्रिक्स इनमें से मार्केटिंग के कौन कौन से मैट्रिक्स है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर वेस्ट टू मेजर मार्केटिंग इफेक्टिवनेस वॉट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज इनमें से कौन सा है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर सिचुएशन एनालिसिस यानी कि सिचुएशन को एनालिसिस करना इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल यूज्ड मार्केटिंग इवोल्यूशन एंड कंट्रोल मेथड इनमें से सबसे अच्छा यूज किया जाने वाला मार्केटिंग इवोल्यूशन और कंट्रोल मेथड कौन सा है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर नन ऑफ दिन इनमें से कोई नहीं द मार्केटिंग फंक्शन इज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट ट्रू और फॉल्स तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर ट्रू मार्केटिंग फंक्शन जो है ये पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट का वॉट डू द थ्री सीज ऑफ इंटरनल मार्केटिंग एन्वायरमेंटल एनालिसिस स्टैंड फॉर इंटरनल मार्केटिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस में जो थ्री सीज होते हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर कंट्री करेंसी एंड कल्चर विच फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन फोकसेस ऑन कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिशन इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का फॉर्म है जो फोकस करता है कस्टमर्स एंड कंपटीशन पे तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर मार्केट ओरिएंटेशन ये किसका फॉर्म है स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का जो फोकस करता है कस्टमर और कंपटीशन पे व्हाई इज मार्केटिंग इंपॉर्टेंट इन अ डिमांड ड्रीवेन इकोनॉमी मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है डिमांड ड्रिवेन इकोनॉमी में तो पहला ऑप्शन सही हमारा कस्टमर हैव लॉट्स ऑफ चॉइस क्योंकि कस्टमर की चॉइस से बहुत ज़्यादा है सेकंड कहता है देयर इज कंपटीशन ऑफ कस्टमर्स कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है थर्ड कहता है सप्लाई ऑफ एन डिमांड यानी कि अक्सर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होता है इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ओल ऑफ मार्केटिंग इनमें से किसका पार्ट है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ई कॉमर्स का हाउ इज सप्लाई लीड मार्केट कैटेगराइज सप्लाई लीड मार्केट का इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं? सप्लाई लीड का मतलब ये होता है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है लेकिन सप्लाई कम तो हमारा यहां पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स फॉर सेल जब गुड्स जो होते हैं सेल के लिए कम होते हैं उनकी कमी होती है कस्टमर एंड कंज्यूमर मीन द सेम थिंग क्या कस्टमर और कंज्यूमर का मतलब सेम होता है करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर फॉल्स नहीं होता है हम उम्मीद करते हैं कि अब आप डिफ्रेंसिएट कर पाते होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया था कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन बिलोंग्स टू डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग के किस फंक्शन से बिलोंग करता है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर फिजिकल सप्लाई लॉयल्टी स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन वेरिएबल लॉयल्टी स्टेटस इनमें से किस टाइप के सेगमेंटेशन में आता है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर बिहेवियरल में लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि लाइफ स्टाइल किस में आता है तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है लाइफ स्टाइल स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अवियरल सेगमेंटेशन बेस इनमें से बिहेवियरल सेगमेंटेशन बेस का एग्जाम्पल कौन है तो हमने देखा कि लॉयल्टी स्टेटस जो है वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आता है इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर यूजर स्टेटस पे हम फोकस करते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन में वॉट डज एस आई सी स्टैंड फॉर मार्केटिंग में एस आई सी का क्या फुल फॉर्म होता है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन एम पी आर स्टैंड एम पी आर का क्या होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन कभी कभी आपसे सिर्फ पी आर का फॉर्म पूछेगा तो पी आर का होता है पब्लिक रिलेशन प्राइमरी रिसर्च इज समाइम्स कॉल्ड डेस्क रिसर्च ट्रू और फॉल्स तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फॉल्स प्राइमरी रिसर्च को हम कभी डेस्क रिसर्च नहीं कहते हैं प्राइमरी रिसर्च शुड ऑलवेज बी कैरीड आउट बिफोर सेकेंडरी रिसर्च इज कंसिडर्ड सेकेंडरी रिसर्च करने के पहले क्या हमेशा हमें प्राइमरी रिसर्च करना चाहिए करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर फॉल्स नहीं ये जरूरी नहीं है क्वेश्चनियर एंड सर्वे मीन द सेम थिंग क्या क्वेश्चनियर और सर्वे सेम होता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सेकेंड नंबर फॉल्स नहीं दोनों अलग अलग होते हैं वॉट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज इनमें से कौन सा है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा रिकोगनाइजिंग ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसे रिकोगनाइज करना इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इनमें से कौन सा मार्केटिंग रिसर्च के रूप में कैटेगराइज किया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑल ऑफ दी अबब पहला है प्राइसिंग रिस, रिसर्च सेकेंड है मार्केट रिसर्च और थर्ड है हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च वॉट इज सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर डेटा दैट हैज ऑलरेडी ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड पब्लिश्ड ऐसा डेटा जो हो चुका है ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर फोकस ग्रुप और आज का हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोर्टर्स फाइव फोर्सेस इन एन इंडस्ट्री एनालिसिस मॉडल द फाइव फोर्सेस आर पहला है इंटर राइवलरी फॉर कंपटीटर्स, सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स और फोर्थ है थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंस एंड वॉट यानी कि चार पॉइंट यहाँ पे दिया है पोर्टर फाइव फोर्स इंडस्ट्री एनालिसिस मॉडल का और आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पचवा पॉइंट है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट ये पांच पॉइंट आप याद रखिएगा एग्जाम में आता ही आता है और पोर्टर फाइव फोर्स जो मॉडल है ये इंडस्ट्री एनालिसिस का सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए